हरियाणा में 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान लगातार नकल करवाने की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर यह खबर दिखाने के बाद असर हुआ है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। खुलेआम नकल के बाद हरियाणा बोर्ड ने क्या एक्शन लिया है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हरियाणा की नू की यह तस्वीरें हैरान करने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और नकल कराने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि भारत का भविष्य खतरे में है। खुद अपने ही बच्चों की तकदीर खराब करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने सख्ती करते हुए धारा 144 तो लगा दी, लेकिन नकल कराने आए लोगों ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, खेतों में ही डेरा डाल दिया। इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। नकल के खिलाफ टीवी 9 भारतवर्ष लगातार मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के बाद प्रशासन एक्शन में आया। नूह, सोनीपत, आज झज्जर में 4 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद इन सेंटरों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। नू में पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ पर FIR दर्ज कराई गई। प्रशासन ने नकल के 33 मामले दर्ज किए हैं। पूरे प्रदेश में नकल के 101 मामले सामने आए हैं। कोई पकड़ में आया अभी तक? हाँ जी, पकड़ रखा काफी बच्चे आपने। हरियाणा के नू में नकल कराने की खबर के बाद शिक्षा बोर्ड ने कई परीक्षा केंद्रों पर रेड डाला। कई अध्यापकों को नकल कराते हुए पकड़ा। बोर्ड के चेयरमैन नीति यादव जी आए थे, उनके साथ उनकी टीम साथ थी और उस टीचर हिरासत में लेके हमें हमारे हैंडओवर किए हैं। और उसके बाद स्कूल में IKM स्कूल है, एक मेवात आदर्श स्कूल है, एक बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी है, इनमें भी उन्होंने रेड की गई थी। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को SIT ने बंद करने की सिफारिश की। इनमें बहुत सारे अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे इलाके में बने हुए हैं। पूरी रिपोर्ट। यूपी के अवैध मदरसों में हड़कंप मच गया है। SIT की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा से सटे गांव में नो मैन्स लैंड पर आधा दर्जन मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। श्रावस्ती जिले में 192 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी जांच भी हुई थी। नेपाल बॉर्डर पर ज्यादातर संदिग्ध मदरसे पिछले 20 वर्षों के दौरान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 13,000 अवैध मदरसों को SIT ने बंद करने की सिफारिश की। जांच में जब किया गया 192 जो है गैर मान्यता प्राप्त हुई, और इसके बाद जो है उसकी जांच कमेटी बना करके जांच रिपोर्ट होकर इसके चली गई शासन को। अब शासन जो भी निर्णय लेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने मदरसे मान्यता प्राप्त है? मान्यता 105 है जो अपने धरातल पर चल रहे हैं। SIT के रिपोर्ट के मुताबिक 62 किलोमीटर की खुली भारत नेपाल सीमा से लगे हुए कई गांव ऐसे हैं जहां पर ये मदरसे संचालित हैं। ना तो इन मदरसों के पास कोई मान्यता है और ना ही मदरसों को संचालित करने का कोई लीगल स्रोत। दावा किया जा रहा है कि अवैध मदरसों को हवाला के जरिए दूसरे मुल्कों से फंड मिल रहा है।